गवर्नमेंट मल्टी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर आज तक। विकासखंड रामनगर में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2019 अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, जिसमें सभी प्रत्याशियों ने वोटरों को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, जिसमें आज शिवलालपुर पांडे से प्रधान प्रत्याशी सुनीता रानी ने भी अपने सभी समर्थकों के साथ चुनाव रैली की और क्षेत्र की सभी समस्याओं को करीब से जाना और क्षेत्रवासियों को अपने जीतने के बाद सभी समस्याओं का निस्तारण करने का भरोसा दिलाया। गणपति बप्पा मोरिया, इमली होरिया, एक दो तीन चार इमली वाला की बात। अभी ये सुनीता रानी आप लोगों के समक्ष आई हैं, क्या कहना है आपका इनके बारे में? हमें कहना है कि हमारे साथ हैं तो हम भी इनके साथ हैं और हम इनके सपोर्ट में हैं और हम इनको बहुत देंगे। पूरा गांव इनके सपोर्ट में, पूरा गांव। आपका परिचय और आप किस पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं आप? मैं सुनीता रानी और ग्राम शिवलालपुर पांडे से प्रधान पद के लिए लड़ रही हूँ और अब मैंने यहाँ पर घूम कर देखा है कि यहाँ लोगों की बहुत समस्या है। ये सब समस्या जब ही दूर हो सकती है जब मैं यहाँ प्रधान हूँ और ये लोग मुझे मौका देंगे। और गांव में मैंने देखा है जगह जगह पर बहुत ज़्यादा गंदगी है और बहुत ज़्यादा घूलों की कृषि प्रधान क्षेत्र है या घूल वगैरह सब टूटी हुई है जिनका काफ़ी समय से कोई विकास नहीं हुआ है और गाँव भी अविकसित है और गाँव की सुविधा के लिए मैं इन सब लोगों का सहयोग चाहूँगी ताकि गांव आगे विकसित हो सके और आज के गांव पहले जैसे नहीं है, पहले से आगे हैं। गांव के लोग बहुत जागरूक हैं।